द पायलट। हु फ्लाइज एन एरोप्लेन? तो सब क्या कहेंगे? द पायलट। क्वेश्चन नंबर 8 पे भी टिक मार्क लगा दिया है सबने, और आपने 1 2 3 4 5 ये भी पोएम पढ़नी है आपने। 1 2 3 4 5 वन साइकोच ऑफिशियल लाइफ, 6 7 8 9 10 देन आई लेट इट गो अगेन, वाई डिड यू लेट इट गो? बिकॉज इट बिट माई फिंगर, सो विच फिंगर डिड इट बाइट? दिस लिटिल फिंगर ऑन माई राइट। आपने ये याद करनी है, सुरैये की गुड़िया सबको आती है, और आपने बहुत अच्छे से और याद करनी है, ठीक है। आपका सिलेबस भी फिनिश हो चुका है, इसको भी क्लोज कीजिए। जल्दी से टेक आउट करते हैं डायरी, डायरी भी देख लेते हैं जल्दी से। सीनियर क्लास अपनी डायरी में जल्दी से हरी अप फास्ट। आप लोग तो बहुत वर्किंग फास्ट फास्ट करते हैं ना, तो आपने डायरी जल्दी से नोट करनी है अपनी डायरी में, हरी अप। सबको नज़र आ रही है? चले मैम पढ़ के भी बता देती हैं क्या है। स्टोरी बुक फिनिश हो चुकी है हम लोगों की, आज लास्ट है 49 पेज। अब हम इसको रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। ड्राइंग बुक भी लास्ट है, 32 पेज है, इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। सिर्फ मैम आप चेक करेंगी। उर्दू कॉपी में आप लोगों ने होमवर्क दे रही है मैम, होमवर्क करना है कॉपी में बी से ई तक, ठीक है। बी से ई तक आप लोगों ने राइट करना है, और डेली सप्लीकेशन में आप लोग ने 1 2 4 ही याद करनी है। इस्लामियत में 7 8 क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, थर्ड कलमा भी याद करना है ट्रांसलेशन के साथ, मैनर्स आपने ऑल याद करने हैं, कंप्लीट हो गए हैं। कन्वर्सेशन का क्वेश्चन नंबर 8 है, जीके का भी क्वेश्चन नंबर 8 है, उर्दू इंग्लिश पोएम आपने याद करनी है दोनों, अंडरस्टैंड। आई होप सब ने अपनी डायरी में नोट कर ली होगी डायरी, डन। ओके क्लोज करते हैं डायरी भी। ओके सीनियर क्लास, आज हमने ओरल पढ़ा है, ड्राइंग की बुक का वर्क किया है, आपने बहुत अच्छा सा वर्क करना है, कलरिंग बहुत अच्छे से करनी है। और सीनियर क्लास मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि अपनी रीडिंग बहुत अच्छी कर लीजिए, स्टोरी की रीडिंग रेगुलर कीजिएगा, और ओरल सिलेबस भी आपने रेगुलर ही पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इसको भूलना नहीं है। जब आप स्कूल ओपन हो जाएंगे तो आप लोगों से फ़ौरन ये टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को पता है जैसे आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को आप लोग तो मस्जिद में जाएंगे नहीं, क्योंकि छोटे बच्चों को तो मना किया है ना मस्जिद में जाने के लिए, इसलिए मम्मा के साथ घर में नमाज़ पढ़िएगा, ठीक है। और मैम को दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।